जिला कलेक्टर रहे सायला उपखंड क्षेत्र के दौरे पर। क्षेत्र में बेमौसम बारिश से हुए रबी की फसल में हुए नुकसान का लिया जायजा। सायला जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गुरुवार को सायला उपखंड क्षेत्र के सीराणा ग्राम पहुंच बेमौसम बारिश से हुए रबी की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने सीराणा में किसानों से संवाद करते हुए जीरे व इसबगोल की फसल को हुए बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बात करते हुए उपखंड अधिकारी को विशेष गिरदावरी कार्य को पूर्ण कर रिपोर्ट भिजवाने को लेकर निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्य सचिव द्वारा वीसी में दिए गए निर्देशों की पालना में जिले में विशेष गिरदावरी कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसे पूर्ण की उसकी रिपोर्ट 7 दिवस में आपदा प्रबंधन व सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को भिजवाना जाना है, जिससे किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिल सके। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के संबंध में क्षेत्र का भ्रमण कर जायजा लिया जा रहा है। साथ ही ग्राम स्तर पर पटवारियों द्वारा किसानों से संवाद स्थापित कर बीमा क्लेम के संबंध में आवेदन प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। वहीं फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को किसानों की फसल नुकसान से संबंधित प्राप्त सूचनाओं को रजिस्टर्ड कर आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया गया है। जिला कलेक्टर ने जीवाणा में मारुति कृपा अनार मंडी का किया अवलोकन। जिला कलेक्टर निशांत जैन द्वारा दूधवा ग्राम में अनार उत्पादक किसानों से चर्चा कर अनार की खेती, संग्रहण, रखरखाव, विक्रय आदि प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अनार बगीचे में पहुंचकर किसानों द्वारा अपनाई जा रही नवाचार पद्धतियों को देखा एवं उत्पादन के बारे में जानकारी ली। इसके उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा जीवाणा अनार मंडी का अवलोकन कर व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान जीवाणा उप तहसीलदार बाबूलाल, नायब तहसीलदार महेश दवे, सीराणा उप सरपंच हमीरा राम देवासी, पटवारी उमाराम, खेतलावास सरपंच हाजाराम, सांवलाराम दूधवा सहित कृषक उपस्थित रहे।